की बात है साहब, कैसे मिले गो मेरो सैया बताए दे गोइया, कैसे मिले गो मेरो सैया बताए दे गोइया, से मिले गो मेरो सैया। थोड़ा ध्यान देने की बात है, कवि लिख रहा है बताए दे गोइया कैसे मिले गो मेरो सैया। सैया माने पति का काऊ को खोएगा वो है। अरे साहब अंदर की बात चल रही है थोड़ी गहराई से। तो कवि लिखता है बताए दे गोइया कैसे मिलेगो मेरो सैया। आगे कवि की कल्पना है, अरे ढूंढन गई ढूंढ ना पाई पर गई भूल भुलैया, ढूंढन गई ढूंढ ना पाई पर गई भूल भुलैया, ढूंढन गई ढूंढ ना पाई में तो पर गई भूल भुलैया, ढूंढन गई ढूंढ ना पाई पर गई भूल भुलैया। सो मेरे संग की साथ सहेली और कर गई है कान घुसैया बताए दे गोइया, ऐसे मिले गो मेरो सैया पाई पर गई भूल भुलैया और मेरे संग की सात सहेली। परीक्षित जी वे कौन सी सात सहेली है हमारे संग की, विचार ना करो। तो ये विचार करो गुरु की शरण में अटक जाओ तो वो खटाकसानी बता देगा वो सात सहेली कौन सी है ना। बात आ गई तो हम ही बता दे रहे हैं, अविद्या अशमिता राग द्वेष अहमता ममता छह और अग्निवेश। ये नहीं चाहती है एक भी क्षण आप उस परमात्मा के दरवाजे की तरफ भटक लो। जैसे ही सच्चाई की तरफ भागो तुरंत भाग के खींच लेती बोले इधर नहीं इधर आ जा। और महाराज इस 84 के चक्कर में ही पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सहितम। ये यही का यही ये व्यवस्था है साहब। और सुनो, अरे मा घर को मन मन जानू करू कौन विध पैया, मा घर को मन मन जानो धरो कौन विध पैया, मा घर को हम मर मन जानू धरू कौन विध पैया, मा घर को मर मन जानो धरो कौन विध पैया। और पति अपने को रूप न देखो देव हम कहे कौन की भैया, यदि बताए दे गोइया कैसे मिले गो मेरो सैया बताए दे गोइया, कैसे मिले गो मेरो सैया बताए दे गोइया। ढूंढन गई ढूंढना पाई पर गई भूल भुलैया। ये माया की व्यवस्था ही ऐसी है, जाए भैया हम बने रहे और हम आए थे यहाँ परमात्मा की भक्ति करने के लिए लेकिन भक्ति के वजह हम कुछ और कर बैठे। एक कवि लिखता है खोया हो तो फिर मिले रूठो ले मनाए, और मिला रहे पर ना मिले ताते कौन बसाए। भगवान तो मिला हुआ है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं साहब, ये व्यवस्था है। और सुनो, Thank you.
आगे कबीर ने लिखा साहब, अरे साची कहूं विवाह दुख मानो झूठन में कछु नहीं आ, साची कहूं विवाह दुख मानो झूठन में कछु नहीं आ, साची कहूं विवाह दुख मानो झूठन में कछु नहीं आ, साची कहूं विवाह दुख मानो झूठन में कछु नहीं आ। सोचे तपसारे देख दुनिया में अरे कोई किसी को है नहीं आ, बताए दे भैया कैसे साहब। ये जो हम दो कड़ी तीन कड़ी बोल चुके हैं समझ में आ रहा, बढ़िया करना है, समझ पाई तो कोई टेंशन की बात ना है, लेकिन ये चौथी पंक्ति हम बोल रहे हैं जहां पे विशेष ध्यान दे दियो। हाँ, अगर चौथी पंक्ति पे विशेष ध्यान दे दिया तो साहब अभी वक्त है संभलने का। अगर सुबह खो जाए शाम को मिल जाए तो खुआ नहीं माना जाता है, तो चौथी पंक्ति में कभी अपनी कल्पना किया कर रहा है साहब। अरे तीनों पन धोखे में कड़ गए लग रही नारे हलैया, अरे तीनों पन धोखे में कड़ गए लग रही नारे हलैया, तीनों पन धोखे में गुजर गए लग रही नारे हलैया, तीनों पन धोखे में कड़ गए लग रही नारे हलैया। परीक्षा जी, तीनों पन मालूम है? अच्छा बताओ कौन से होते हैं? मालूम दो चार के बोले, बाल्य अवस्था, जवान अवस्था और फिर वृद्ध अवस्था, और ये तो गति सबकी होनी है साहब। शास्त्रीय कहता है जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित नहीं बल्कि सुनिश्चित है। होना तो है, और होना ही क्या है, मृत्यु होनी नहीं है बल्कि मृत्यु हो ही रही है, मृत्यु होना ही तो जिंदगी है। हम दो चार दिन हो गए इस बात को कहते रहते, जिंदगी नाम जीने का नहीं है, जिंदगी नाम तो मरने का है साहब, तो सुनो। हाँ, तीनों पन धोखे में कड़ गए लग रही नारे हलैया, तीनों पन धोखे में कड़ गए लग रही नारे हलैया। और कहत कबीर सुनो भाई साधो गुरुदेव, अरे अब सुधर न को है नहीं आ, बता दे गुइया कैसे मिले गो मेरो सैया, बता दे गुइया कैसे मिले गो मेरो सैया, बता दे गुइया